नमस्कार। राजनीति में एक नाम ने कम समय और कम उम्र में काफी नाम कमा लिया है, जबकि अभी तक कोई चुनाव खुद जीता भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं इकरा हसन की। हकीकत तो ये है कि आज इकरा हसन किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। इकरा कैराना विधायक नाहिद हसन की बहन है, पूर्व सांसद अख्तर हसन की पोती है, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और सबसे कम उम्र में देश के चारों सदन का सदस्य बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी है। आप सोच रहे होंगे कि आज इकरा हसन की बात क्यों की जा रही है। पहले एक बात और बताते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन जेल में थे और भाजपा का पूरा फोकस कैराना पर था, लेकिन इकरा हसन ने चुनाव को इस तरह से संभाला कि भाजपा को इस सीट पर करारी हार मिली थी। चर्चाओं में इकरा तभी ज्यादा आई थी। इकरा की भाषण कला जबरदस्त है, वह अपनेपन के साथ लोगों से मिलती हैं और आज यूपी, खासकर वेस्ट यूपी में तो इकरा हसन की बड़ी फैन फॉलोइंग है। हम कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में यह हकीकत है। इकरा हसन लंदन से पढ़ी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एमएससी किया है। अब मुद्दे पर आते हैं, यूपी में नगर निकाय चुनाव होने हैं, कब होंगे यह बाद में पता चलेगा, लेकिन गठबंधन के जो भी संभावित उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हों, वह प्रचार के लिए इकरा हसन को बुलाना चाहते हैं। यहां तक के वोटर्स डिमांड कर रहे हैं कि इकरा तो प्रचार के लिए आनी ही चाहिए। ऐसे में सपा रालोद गठबंधन के संभावित उम्मीदवार इकरा हसन से संपर्क में अभी से जुट गए हैं। हसन परिवार के करीबियों से बात की जा रही है। बता दें कि 2015 में इकरा हसन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। खतौली और मैनपुरी सीट के उपचुनाव में भी इकरा ने प्रचार किया था। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में इकरा कहां-कहां प्रचार करेंगी और गठबंधन को उनके प्रचार का कितना लाभ मिलेगा।